हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एडुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूं और बहुत मज़े में हूं। और इतनी अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फ्लमिंगो बुक की सेकेंड पोम, जो कि है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम बाय स्टीफन स्पेंडर। तो ये पोम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस पोम का टाइटल एक्सप्लेन करती हूँ। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री यानी बेसिक, जहाँ पे सबसे बेसिक, सबसे स्टार्टिंग होती है वो। तो और स्लम क्या होता है? स्लम वो एरिया जाने की जहाँ पे बहुत झुग्गी होती है, बहुत झोपड़ियाँ होती है, तो उसे हम स्लम एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसे स्कूल की बात हो रही है जो कि एक एलिमेंट्री स्कूल है, यानी कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, यानी हर चीज़ का बेस यहाँ पढ़ाया जाता है। तो एक एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है, एक छोटा सा कमरा है। और ये कहाँ है? कमरे के नाम पे जो ये क्लासरूम है पूरा, ये कहाँ पर है? एक स्लम एरिया में यहाँ पे ये क्लासरूम है, जहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं। सो फर्स्ट लेट्स स्टडी समथिंग अबाउट आवर पोएट, कि पोएट कौन है हमारे? स्टीफन स्पेंडर हमारे पोएट है। 1909 में ही वॉज बॉर्न एंड ही डाइड इन 1995। ही वॉज अ पोएट एंड इंग्लिश एसेस्ट। ये पोएट तो थे ही थे और एक इंग्लिश के एसेस थे, यानी कि बहुत सारे एसेज, निबंध लिखा करते थे। स्पेंडर हैड अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड सो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ सोशलिस्ट। तो इनका जो है, स्टीफन स्पेंडर का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में हुआ करता था, तो इन्होंने अपने आप को एक सोशलिस्ट डिक्लेयर कर दिया कि मैं एक सोशलिस्ट हूँ। एंड पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट यानी वो इंसान जो चाहता है हमेशा पीस, हमेशा शांति बनी रहे सोसाइटी में। हिज वर्क कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास स्ट्रगल। तो इनका जो भी काम होता था, जो भी ये एसेज लिखते थे, जो भी पोइट्रीज लिखते थे, उसमें हमेशा क्या झलकता था? सोशल इनजस्टिस। किसी पर्टिकुलर क्लास, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ अगर कुछ इनजस्टिस हो रहा है, यानी कि कोई उनके साथ सही चीज़ नहीं हो रही है, यानी कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को, जो सोसाइटी के में लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, उन सब चीज़ों को वो अपने इस पोएट्रीज के थ्रू बताते थे अपने रीडर्स को। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम। सो सबसे पहले मैं आपको पोम का इंट्रोडक्शन देती हूँ। पोम के इंट्रोडक्शन में क्या होता है? एक क्लासरूम होता है और ये बहुत छोटा सा क्लासरूम होता है। इस क्लासरूम में बहुत सारे स्लम एरिया के बच्चे पढ़ने आते हैं, जो कि बहुत वीक हैं, जो कि मैल न्यूट्रिशन हैं, यानी उन्हें इतने पुअर हैं, उनको खाना भी अच्छे से नहीं मिला है, तो वो बहुत वीक हैं, बहुत थिन हैं, पुअर हैं। ऐसा लगने लगता है कि उनके अंदर से उनका स्केलेटन दिखाई दे रहा है, यानी कि उनका हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा है, वो लोग इतने पतले। कुछ बच्चों को एलमेंट्स हैं, यानी डिजीजेज हैं, जो उनको एज अ हेरिडिटी अपने फादर से मिली हुई है, यानी कि उनके हो सकता है बोन्स ट्विस्टेड हैं, इस टाइप की इनकी कुछ बीमारियाँ हैं। तो उनको बेसिकली वो लोग इतने गरीब हैं कि उनको ना खाना अच्छे से मिला है, वो लोग इतने वीक हैं और कुछ तो बीमारियों से भी पीड़ित हैं। अब ये जो बच्चे हैं, इनके बाल हमेशा बिखरे रहते हैं और ये लोग हमेशा एक डर्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी जो स्लम एरिया में ये लोग रहते हैं वो क्लीन नहीं है, वो हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है इन लोगों के लिए। तो यहाँ पे पोएट चाहते हैं कि इन बच्चों पर ध्यान दिया जाए। ये बच्चे बस उन पेड़ पौधों की तरह, उन जंगली पेड़ पौधों की तरह उगे जा रहे हैं, ग्रो हुए जा रहे हैं, बस इन पे कोई ध्यान देने वाला नहीं। अगर गवर्नमेंट इन पर ध्यान दे तो इनकी लाइफ्स इम्प्रूव हो सकती है, हो सकता है कि एक अच्छे सिटीजन्स बन जाए, नहीं तो ये लोग चोरी, क्राइम, इन सब में ये लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे और हमारे सोसाइटी में क्रिमिनल्स बढ़ जाएंगे। ये यंग यूथ जो है, ये जो यंग जनरेशन है, वो क्रिमिनल्स बन जाएगी। तो यहाँ पे पोएट चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इन बच्चों के लिए कुछ इनिशिएटिव्स ले, इनके लिए हेल्दी इन्वायरमेंट दे, इनको उस स्लम एरिया से निकाले और दुनिया, बाहर की दुनिया दिखाए जो कि बहुत सुंदर है, सन की ब्राइटनेस में लेके आए, क्योंकि ये लोग एक डार्क डिंजी से रूम में है जो छोटा सा है, बहुत सारे बच्चे एक ही क्लास में, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है उस क्लासरूम में, ठीक तरीके से टीचर्स उनको पढ़ा नहीं रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं। सो लेट्स नाउ सी द इंट्रोडक्शन। द पोम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर डिस्क्राइब्स द सोशल इनइक्वालिटीज विच आर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। तो इस पोम के माध्यम से जो हमारे पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर, वो इन बच्चों के साथ जो सोशल इनइक्वालिटी हो रही है, जो इक्वालिटी यानी जो सेम चीज़ें दूसरे बच्चों को मिल रही है और स्लम के बच्चों को नहीं मिल रही है, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। इन द पोम ही डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल विच इज सिचुएटेड इन अ स्लम एरिया। तो इस पोम के थ्रू जो पोएट हैं, वो एक एलिमेंट्री स्कूल, एक एलिमेंट्री बेसिक स्कूल जो बच्चों को आता है,
उसकी सिचुएशन बता रहे हैं बच्चों की कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है जो जो कि एक स्लम एरिया में सिचुएटेड है. द पोएट वॉन्ट्स टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एवरी वन टूवर्ड्स दीज किड्स सो दैट देयर लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड एंड दे मे गेट ट्रेंड टू बिकम गुड सिटीजन्स रादर देन क्रिमिनल. सो पोएट चाहते हैं कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्टेप्स ले, कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएं इन बच्चों के लिए ताकि इनकी लाइफ इम्प्रूव हो जाए, बेटर हो जाए, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो और इनको ट्रेनिंग दी जाए कि अच्छे सिटीजन्स बने, गुड्स अच्छे नागरिक बन के बड़े हों, ना कि क्रिमिनल्स चोर चक्के बन के बड़े हो जाएं. तो दे डोंट वॉन्ट कि ये बच्चे क्रिमिनल्स बने, इंस्टेड दे वॉन्ट दैट ये लोग एक गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिक बने. Now let's begin with the detailed explanation of the poem. Let's begin. Far, far from gusty waves, these children's faces. Gusty waves का मतलब क्या होता है? Breezy winds, यानी ठंडी ठंडी हवाएं. इस तरीके का एक क्लासरूम का सीन होता है जिसकी वॉल्स इतनी गंदी होती हैं कि बच्चे कैसे पढ़ रहे होते हैं, कुछ लास्ट बेंच पे, कुछ सामने, किसी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, कुछ ध्यान में भी नहीं आते टीचर के. तो वो बोल रहे हैं गस्टी वेव्स यानी ठंडी ठंडी विंड्स जैसे इन बच्चों के चेहरे हैं, लेकिन होने चाहिए इन बच्चों के चेहरे जो कि यंग होने चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए, फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस होने चाहिए, लेकिन जब आप इन बच्चों के चेहरों को देखोगे तो ये बहुत वीक हैं, ठंडी हवाएं हैं, यानी तेज स्टॉर्म जैसे इनको स्ट्रांग होना चाहिए लेकिन वैसे नहीं है, ये ठंडी हवाओं जैसे बहुत वीक है और बहुत डल बच्चों के चेहरे यहाँ पे क्लासरूम में दिखाई दे रहे हैं. लाइक रूटलेस वीड्स, तो इन बच्चों के चेहरे कैसे दिखाई दे रहे हैं? रूटलेस वीड्स की तरह. वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो ऑन देयर ओन, वो जंगली पेड़ जो कहीं पर भी अपने आप उग जाते हैं. तो वो बता रहे हैं कि ये बच्चे कैसे हैं, ये बच्चे रूटलेस वीड्स की तरह ग्रो हुए जा रहे हैं, यानी इन बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है. कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं, कुछ की तबीयत ठीक नहीं है, या कुछ बहुत वीक हैं, किसी को खाना अच्छे से नहीं मिला, तो ये बच्चों को ऊपर ध्यान को देने वाला कोई नहीं है. ये बस जंगली पेड़ की तरह, जैसे जंगली पेड़ कहीं भी उग जाता है, ये भी बस ग्रो हुए जा रहे हैं, अपनी लाइफ काटते जा रहे हैं. द हेयर टोन आउट ऑफ देयर पैलर, पैलर यानी पेल या डल फेस, इनके डल फेस उतरे हुए चेहरों पे इनके बाल इस तरीके से बिखरे हुए हैं, यानी इनकी लिविंग कंडीशंस बहुत डर्टी हैं, अनहाइजीनिक है. द टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड, अब यहाँ पे पोएट हमें क्लास में पढ़ने वाले कुछ बच्चों का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं. तो बता रहे हैं यहाँ पे एक टॉल गर्ल है, क्लास में एक लंबी लड़की है. अब उसके लिए यहाँ पे टॉल एडजेक्टिव क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि बेसिकली सारे बच्चों से क्लास में वो थोड़ी सी एल्डर है, थोड़ी बड़ी है, इसीलिए उसके लिए ये एडजेक्टिव यूज़ किया कि एक टॉल गर्ल, एक बड़ी उम्र की बच्ची भी इस क्लास में पढ़ती है. विथ हर वेट डाउन हेड, और क्योंकि वो इतनी डल है, क्योंकि उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, तो उसने अपनी मुंडी यूँ वेट डाउन करके रखी है, अपनी मुंडी यूँ लटका रखी है. कद में तो लंबी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, ताकत नहीं है, जिसकी वजह से चेहरा यूँ झुका हुआ है उसका. द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट साइज, अब एक दूसरा बच्चा जो क्लास में पढ़ता है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं पोएट. वो कह रहे हैं एक और बॉय है जो पेपर सीमिंग बॉय है. पेपर सीमिंग यानी वेरी थिन एज अ शीट ऑफ पेपर. एक और बच्चा है वो तो इतना पतला है कि समझो एक शीट ऑफ पेपर, एक पेपर जितना पतला बच्चा है, और उसकी आंखें कैसी हैं? रैट साइज. तो इस बच्चे को कंपेयर किया गया है रैट साइज से, यानी कि अगर आपने चूहे को देखा होगा तो उसकी आंखें हमेशा ऐसे ऐसे होती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए वो बहुत क्यूरियस होता है, कुछ ना कुछ उसको चाहिए. तो इससे बताया जा रहा है कि जो पेपर सीमिंग बॉय है, जो पतला सा बच्चा है, वो बहुत क्या है? ग्रीडी है, यानी कि उसको जो भी मिल जाएगा वो हड़प लेगा, वो खा लेगा. क्यों? क्योंकि वो बहुत पुअर है, और जब इंसान पुअर होता है तो उसको जो भी मिल जाता है उसको हड़पना चाहता है, यानी ग्रीडी हो जाता है वो. तो ये पेपर सीमिंग बॉय बहुत ग्रीडी है. द स्टंटेड, अब एक तीसरा बच्चा जिसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं पोएट. द स्टंटेड अनलकी आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. स्टंटेड का मतलब क्या है? नॉट फुली ग्रोन ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन. तो एक और बच्चा है क्लास में जो इन सारे बच्चों की उम्र का होना चाहिए लेकिन वो थोड़ा स्टंटेड है, यानी वो फुली ग्रोन नहीं हुआ है, क्योंकि वो मैल न्यूट्रिशन है, उसको खाना अच्छे से मिला नहीं है, बैलेंस डाइट इतनी अच्छे से मिला नहीं है, वो इतना भूखा रहा है कि उसमें न्यूट्रिशंस की कमी आ गई है, तो वो मैल न्यूट्रिशन का पीड़ित बच्चा है. तो ये बच्चा मैल न्यूट्रिशन का पीड़ित बच्चा है और बहुत अनलकी है, यानी ये बहुत बदकिस्मत है. और क्या बदकिस्मत है? आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स,
आयर यानी कि सक्सेसर। तो इस बच्चे को जो कि मैल न्यूट्रिशियस है यानी इसको इतनी ताकत नहीं है और खाना पीना इसको इतना अच्छे से मिला नहीं है, ये बहुत बदकिस्मत बच्चा है क्योंकि इसको अपने फादर से विरासत में सिर्फ और सिर्फ पावर्टी मिली है, गरीबी मिली है, और कुछ अच्छा तो मिला नहीं, गरीबी तो मिली ही है मिली है, और साथ में ट्विस्टेड बोन्स यानी अकड़ी हुई हड्डियों की जो बीमारी होती है वो मिली है विरासत में अपने फादर से। तो ये बच्चा बहुत बदकिस्मत है क्योंकि इसको एक डिजीज़ भी है, रिसाइटिंग अ फादर्स नॉल्ड डिजीज़। नॉल्ड डिजीज़ यानी नॉटेड या रफ। तो इसको अपने फादर से क्या मिला है, अपने फादर से विरासत में एक डिजीज़ मिला है और बहुत सारी गरीबी मिली है। His lesson from his disc। तो पोएट बता रहे हैं क्योंकि बच्चे को बोन्स की प्रॉब्लम है, ये ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो वो अपनी ही डेस्क से जो क्लास में लेसन पढ़ाया जा रहा है उसको रिसाइट कर रहा है, उसको बोल रहा है क्योंकि वो दूसरे बच्चों की तरह खड़े होके नहीं बोल पा रहा। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड। अब एक दूसरे बच्चे के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं पोएट कि जो क्लास है वो कैसी है, बहुत डिम क्लास है यानी कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, हवा नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं है बच्चों की क्लास में, क्लास बहुत अंधेरे में है, बहुत धुंधला है क्लास में, यानी कि प्रॉपर लाइट नहीं है क्लास में। और वहीं उसी डिम क्लास में एक और बच्चा है जो क्लास में बैक यानी बिल्कुल लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, एंड इज अननोटेड। अननोटेड यानी उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी के नोटिस में नहीं आ रहा है। तो एक अंधेरी क्लास में जहाँ पे बहुत कम लाइट है, लास्ट बेंच पे एक बच्चा है जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, वो बहुत स्वीट है और बहुत यंग है, बहुत प्यारा सा बच्चा एक बैठा हुआ है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। तो उसकी वो है तो क्लास में प्रेजेंट फिजिकली, बट मेंटली कहीं और प्रेजेंट है, यानी कि वो क्लास में पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी आंखों में कोई ड्रीम चल रहा है, कोई सपना चल रहा है जो वो किसी और ही वर्ल्ड में। किस चीज़ का ड्रीम देख रहा है वो, ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। तो वो क्या सोच रहा है कि मैं बाहर जाऊं और स्क्विरल जैसे एस्केप कर जाऊं क्लास से, यानी कि जैसे एक गिलहरी, एक स्क्विरल जो होती है उसको कोई भी पकड़ने जाओ तो जल्दी से भाग के चली जाती है, किसी के हाथ नहीं आती। तो उससे उस बच्चे को भी जो क्लास के लास्ट बेंच पे बैठा है उसको भी स्क्विरल की तरह जल्दी से भाग के क्लास से निकलना है, एस्केप करना है, क्योंकि उसको इस पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसको बाहर जाके ट्री रूम में जाके खेलना है और अब बाहर अपना वेदर और एनवायरनमेंट इन्जॉय करना है, बस क्लास में नहीं बैठना। तो उसको क्लास के लेसन में कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बच्चे को। तो पोएट ने यहाँ पे अलग अलग कुछ 3-4 बच्चों का डिस्क्रिप्शन हमें बताया, किसी के ट्विस्टेड बोन्स थे, कोई बच्चा रैट्स आई है यानी उसकी बहुत ग्रीडी है, कोई एक टॉल गर्ल है जो लंबी तो बहुत है लेकिन इतनी वीक है कि उसकी गर्दन ऐसी झुकी हुई है, वो सैड है पॉवर्टी की वजह से, कुछ बच्चे स्क्विरल की तरह एस्केप करना चाहते हैं, क्लास में ध्यान नहीं है और उनको बाहर ट्री रूम में जाके खेलना है। उसके बाद पोएट बोलते हैं ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस। सार का मतलब क्या है, अनप्लेजेंट हेयर रेफर्स टू द कलर ऑफ सार। क्रीम का मतलब क्या है, ऑफ वाइट और क्रीमिश, और डोनेशंस का मतलब क्या है, थिंग्स गिवन और रिसीव्ड इन चैरिटी। तो पोएट बता रहे हैं यहाँ पे कि क्लास में जो दीवारें हैं वो सार क्रीम वॉल्स हैं, यानी कि बहुत डल हैं, उनमें से पेंट निकल रहा है, पीली क्रीमिश कलर की गंदी डर्टी वॉल्स हैं, बिल्कुल साफ नहीं है, और उन पे शायद कुछ सीनरीज या कुछ पेंटिंग्स लगी हैं जो कोई ना कोई आके उनके क्लास में डोनेशन में यानी चैरिटी में दान में दे गया है वो पेंटिंग्स। होता है ना गरीब बच्चों के क्लास में, हम स्कूल में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ डोनेशंस दे देते हैं हम या चैरिटी में कि चलो ठीक है। तो इनकी क्लास में भी जो गंदी सी वॉल्स पे, क्रीमिश वॉल्स पे जो पेंटिंग्स या जो सीनरीज लगी थी पेंटिंग्स, वो किसी ने आके इनको डोनेशन में या चैरिटी में दी थी। और किस चीज़ की पेंटिंग्स थी वो, पहली पेंटिंग थी शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज। डॉन का मतलब क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग सनराइज, जो सुबह का टाइम होता है जब सूरज पहली बार राइज करता है तो उसे हम डॉन कहते हैं। सिविलाइज्ड डोम का मतलब क्या होता है, हेयर इट मीन्स राइजिंग सन एट द होराइजन विच इज़ द शेप ऑफ अ डोम या सेमी सर्कल। तो इस तरीके से सिविलाइज्ड डोम बोला गया है, होराइजन वो लाइन होती है जहाँ से ऊपर सन राइज करता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पहली पेंटिंग लगी थी गंदी सी दीवार पे वो शेक्सपियर के हेड की थी, यानी शेक्सपियर एक बहुत बड़े राइटर हैं, ऑथर हैं,
उनके हेड, उनके सर की पेंटिंग थी, उस पेंटिंग में वो उनका सर ऐसा दिख रहा था और वो बाल्ड थे पेंटिंग में, यानी कि टकले थे, उनके सर पे बाल नहीं थे, और वो ऐसा लग रहा था कि उनका जो सर है वो सन की तरह उग रहा है, राइज हो रहा है। तो इस तरीके की एक शेक्सपियर की पेंटिंग वहां पे क्लास में लगी थी। बेल्ड फ्लावरी चारुलीज वैली, और सेकंड पेंटिंग कौन सी लगी थी उनकी क्लास की वॉल्स में? बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली। तो दूसरी पेंटिंग लगी थी टायरोलीज वैली की। ये जो पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं, ये टायरोलीज वैली की पिक्चर है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल आइस फ्री वैली इन ऑस्ट्रिया। तो ये एक वैली है जहाँ पे बर्फ नहीं होती, और ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। तो वो जो सेकेंड पेंटिंग है वो किस चीज़ की है? वो टायरोलीज वैली की है, और वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे चर्चेज हैं। सेकेंड पेंटिंग इस चीज़ की पेंटिंग लगी है। तो ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों की पेंटिंग्स लगी थी, शेक्सपियर की पेंटिंग लगी है, टायरोलीज वैली की पेंटिंग लगी है, ये क्यों यहाँ पे बताई जा रही है? ये इसीलिए बताई जा रही है कि शेक्सपियर कौन है इन स्लम के बच्चों को नहीं पता। भले क्लास में उनकी पेंटिंग लगी, पर दे डोंट नो शेक्सपियर कौन है, उसने क्या ग्रेट काम किया है। वो तो उसको मजाक में ले रहे हैं कि उसका सर तो टकला, ऐसा लग रहा है उसमें से कोई सनराइज हो रहा है, ऐसा लग रहा है उसका सर। टायरोलीज वैली जो कि इतनी ब्यूटीफुल जगह है, ये लोग कभी यहाँ पे ना जा सकते, ना कभी जा पाएंगे। उनकी क्लास की विंडो जो है उसके बाहर से सिर्फ क्या दिखता है? झुग्गी झोपड़ी और डर्टी स्लम एरिया दिखता है। और आपने उनकी क्लास में बिल्कुल ऑपोजिट टायरोलीज वैली की पेंटिंग लगा के रखी है। उन्हें पता भी नहीं कि टायरोलीज वैली क्या है, और ना ही वो ये कभी जगह जा पाएंगे। सिर्फ इसको देख के ड्रीम कर पाएंगे कि काश हम जा पाए, काश हम जा पाए। फिर थर्ड पेंटिंग किस चीज की लगी है? ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो तीसरी पेंटिंग लगी हुई है वर्ल्ड मैप की, कि पूरी दुनिया का एक मैप लगा हुआ है वहां पे। ये भी बिल्कुल इन बच्चों के ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि इन बच्चों की जो दुनिया है, इन बच्चों का जो वर्ल्ड है, वो सिर्फ उस स्लम एरिया में सीमित होके रह गए। वो स्लम के बाहर ना जा सकते, ना इसके बाहर कुछ ड्रीम कर सकते। और आपने उनकी क्लास में पेंटिंग लगा दी है वर्ल्ड मैप की, पूरी दुनिया के मैप की, जहाँ पे जो वर्ल्ड वो कभी जा ही नहीं सकते, और उस पूरे मैप में कहीं भी उनका स्लम मैप पे नहीं दिखता। तो ये वर्ल्ड मैप की जो पेंटिंग है, इन बच्चों के लिए मीनिंगलेस है, यानी किसी काम की नहीं है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग। तो इन बच्चों के लिए ये वर्ल्ड जो है वो उनका स्लम एरिया है। वर्ल्ड मैप की जो पेंटिंग लगी है वो उनके लिए मीनिंगलेस है, क्योंकि ये इस दुनिया में जा नहीं सकते, और ना ही इस मैप पे इनकी स्लम एरिया कहीं पे लोकेटेड है। इन बच्चों का जो फ्यूचर है, जो इनका भविष्य है, वो फॉग है, यानी धुंधला है, फॉगी है, यानी कि इस स्लम एरिया के डर्ट, गंदगी और एक बैड कंडीशन ऑफ लिविंग से धुंधला है, यानी कि इनका फ्यूचर छुप गया है, यानी बहुत ब्राइट फ्यूचर नहीं है इन बच्चों का, सनराइज जैसे खुल के नहीं है, फॉगी है, यानी धुंधला फ्यूचर है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। तो इन बच्चों का फ्यूचर उस नैरो स्ट्रीट, उस पतली सी सड़क जैसा है जो सील्ड है, यानी शट है या लॉक्ड है। तो इन बच्चों की दुनिया क्या है? लॉक हो चुकी है बेसिकली उस स्लम एरिया में, जिसके बाहर वो जा नहीं पा रहे। और एक लेड स्काई, यानी इनका जो फ्यूचर है इन बच्चों का, बहुत डार्क फ्यूचर है इन स्लम एरिया में, ग्रे है, धुंधला है, और इसके बाहर इन बच्चों को निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बच्चे का फ्यूचर जो है क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा, ये यहीं के होके यहीं रह जाएंगे। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ द ऑफ वर्ड्स। तो ये बच्चे बहुत फार हैं, जितनी सुंदर सुंदर रिवर्स होती हैं, केप्स होती हैं, इस दुनिया के सुंदर सुंदर वर्ल्ड, स्टार्स, इन सब चीज़ों से ये बच्चे बहुत दूर हैं, एक डिंजी से क्लासरूम में अटके हुए। केप्स का मीनिंग क्या होता है? लार्ज पीस ऑफ लैंड दैट स्टिक्स आउट इनटू द सी फ्रॉम द ओशन। तो ओशन से चिपका हुआ जो लैंड होता है, जो कि बहुत सुंदर होता है, ग्रीनरी से भरा हुआ होता है, ये बच्चे टायरोलीज वैली और इन सब लैंड से बहुत दूर हैं, ये फंसे हुए हैं डार्क डिंजी एरिया में, जो कि स्लम एरिया, झुग्गियों में जो कि होता है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेट। विकेट यानी कि ईविल, गंदा, खराब। तो इन बच्चों के लिए शेक्सपियर तो एक खराब आदमी है, क्योंकि इसको तो ये लोग जानते ही नहीं है कि शेक्सपियर कितना ग्रेट इंसान है, उसके क्या क्या काम है, ये लोग उसको जानते ही नहीं, तो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको खराब बोलते हैं।
द मैप अ बैड एग्जाम्पल. इनको ये मैप जो वर्ल्ड मैप की पेंटिंग लगी है क्लास में वो भी एक बैड एग्जाम्पल लगता है, क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि इनको हर चीज़ खराब लगती है. शेक्सपियर खराब, मैप खराब. क्यों? क्योंकि वो उनकी रियल लाइफ से मैच नहीं कर रहा. उनका रियल वर्ल्ड वो स्लम है और आपने क्लास में वर्ल्ड मैप की पिक्चर लगा के रखी है पेंटिंग, तो ये उनके मतलब का नहीं है. विद शिप्स इन सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है? परसुएड करना, यानी कोई चीज़ जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, यानी कोई चीज़ आपको लेने की इच्छा है. तो वो बोल रहे हैं कि आपने इन बच्चों की क्लास में टायरोलीज वैली जैसी इतनी अच्छी पेंटिंग लगा रखी है जिसमें शिप्स हैं, सन है, सब कुछ इतना सुंदर सुंदर है. ये बच्चे इन सब चीज़ों को जानते ही नहीं है, इनका मतलब जानते ही नहीं कि क्या होता है. इंस्टेड इन पेंटिंग्स को देख के वो टेम्प्ट हो रहे हैं, यानी अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हम तो इसको चुरा लेते हैं. तो वो बेसिकली इन चीज़ों को देख के क्या बन रहे हैं? थीव्स बन सकते हैं, चोर बन सकते हैं कि वो ये सब चीज़ें चुरा लेंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स हाई टाइम कि इन बच्चों को स्लम एरिया से निकालें, इनको बाहर की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया जाए, फेमिलियर कराया जाए, और इनको भी वो सारी फैसिलिटीज दी जाएं जो हर बच्चे को मिली जाती है. फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स. स्लाइली का मतलब क्या होता है? ट्रिकीली. और क्रैम्ड का मतलब क्या होता है? कन्फाइंड. तो बता रहे हैं कि ये लोग पूरी जिंदगी बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं जो क्रैम्ड होल्स, यानी एक छोटे छोटे होल जितने होते हैं जिसमें बहुत सारे फैमिली मेंबर्स भरे हुए रहते हैं. ना इनको प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, ना प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाता है, ना प्रॉपर लाइट होती है. तो इस तरीके के एनवायरनमेंट में ये लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. फॉग यानी डे टाइम, दिन का समय, और एंडलेस नाइट यानी कि इनकी जो एंडलेस नाइट है, यानी इनकी ज़िंदगी में जो अंधेरा है वो इनकी लाइफ बहुत धुंधली है, और इनकी ज़िंदगी में जो अंधेरा है वो एंडलेस है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं. इनकी ज़िंदगी में कभी सवेरा आ ही नहीं सकता. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel. Slag का मतलब क्या होता है? Weak, बहुत कमज़ोर. तो वो बोल रहे हैं कि ये लोग बच्चे इतने कमज़ोर हैं कि इन्होंने जो कपड़े पहने हुए रखे उसमें से इनकी bones दिखाई देती हैं, यानी कि ये लोग इतने weak हैं, इनको इतने poor हैं, इनको खाना इतने कम मिला है, इतने malnutritioned हैं कि ये लोग इतने वीक हो गए कि इनकी हड्डियाँ इनके कपड़ों के बाहर से दिखती है, बेसिकली इनका स्केलेटन दिखने लगा हुआ है. एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास. मेंडेड का मतलब क्या होता है? रिपेयर्ड ग्लास. तो कुछ बच्चे स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे पहने हुए हैं और स्टील के, स्टील मटेरियल के पहने हुए हैं जो कि बहुत हैवी हैं, और उनके जो ग्लासेस हैं, जो फ्रेम्स हैं, जो लेंसेज हैं, वो मेंडेड है, यानी टूटे फूटे. कांच के जो कांच है जो उसमें लेंस लगे वो भी टूटे फूटे पहने हुए हैं. लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स. जैसे कि ये जो ये बॉटल बिट्स ऑन स्टोन है, ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? जो लेंसेज हैं चश्मों के, स्पेक्स के, उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करा जा रहा है. बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने पत्थर मार के इनके कांच जो है स्पेक्स के वो तोड़ दिए और ऐसे क्रैक्स आ गए उस पर. इस तरीके के बच्चों ने चश्मे पहने हुए हैं, सोचिए वो कितने पुअर हैं. All of their time and space are foggy slum. इनका जितना समय है और इनकी जितनी लाइफ है वो एक स्पेस, एक खाली जगह की तरह है, और foggy slum यानी धुंधले slum में ये लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले एरिए में रहते हैं जहाँ पर कोई daylight नहीं है और इनका फ्यूचर बहुत डार्क है. So blot their maps with slums as big as doom. Blot करना यानी to mark with a spot, किसी चीज़ पर mark करना यानी blot करना. Doom का मतलब क्या होता है? डिजास्टर. तो यहाँ पे पोएट चाहते हैं कि इनके स्लम एरिया को भी इम्प्रूव करा जाए, इनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करा जाए, इनकी स्लम एरिया को भी मैप पे मार्क किया जाए कि इस पूरे वर्ल्ड मैप में भी एक स्लम एरिया है जो कि बहुत इम्प्रूव्ड कंडीशंस में, और इतना बड़ा बड़ा दिखाया जाए मैप में जिससे जितना बड़ा एक डिजास्टर होता है, तो इनको आइडेंटिफिकेशन मिली जाए. अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर. तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं पोएट की, इनकी लाइफ सॉल्व हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है इन बच्चों की जो स्लम एरिया में रहते हैं. तब तक नहीं सॉल्व हो सकती जब तक जो गवर्नर है, जो इंस्पेक्टर हैं और जो विजिटर्स हैं, लोगों को विजिट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और उनकी लिविंग कंडीशंस को सुधारनी पड़ेगी. जब तक लोग ऐसा करेंगे नहीं तब तक इन लोगों की लाइफ, इन बच्चों की लाइफ नहीं सुधरेगी. दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज
दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स. कैटाकॉम्ब्स का मतलब क्या होता है? अ सीरीज ऑफ अंडरग्राउंड चेंबर यूज फॉर बरिंग डेड पीपल. तो कैटाकॉम्ब्स यानी लाइन से जमीन के अंदर जब आप डेड बॉडीज को बरी करते हो तो वो कैटाकॉम्ब्स होते हैं. तो वो ये बोल रहे हैं कि ये जो मैप है ये उनका विंडो होना चाहिए, यानी एक ऐसी खिड़की होनी चाहिए जिससे वो ब्राइट सन देख पाए, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए और इस स्लम एरिया से बाहर निकल पाए. और उनकी जिंदगी जो कि कैटाकॉम्ब यानी कि मरे हुए मुर्दे डेड लोगों की तरह हो चुकी है, वो इस जो कैटाकॉम्ब जो कि एक कैटाकॉम्ब यानी कि डेड लोग जहाँ पे बरी किए जाते हैं, ये स्लम को कैटाकॉम्ब से कंपेयर किया गया और बोला गया है कि इन बच्चों को इसमें से बाहर निकाला जाए और बाहर की जिंदगी से इंट्रोड्यूस करा जाए. ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन. तो ब्रेक ओ ब्रेक यहाँ पे रेपिटेशन यूज किया गया है और इससे अर्जेंसी बताई गई कि कितना अर्जेंट है कि बिल्कुल इनकी सारी विंडोज जिन इनके घरों की और इनके क्लासरूम की सारी विंडोज को ब्रेक किया जाए यानी तोड़ा जाए, जिसके बाहर सिर्फ स्लम एरिया दिखता और पूरी दुनिया नहीं दिखती. इन सारी विंडोज को तोड़ के इनको स्लम एरिया से बाहर निकाला जाए. एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड. और इन बच्चों को क्या दिखाया जाए? ग्रीन फील्ड्स यानी हरे भरी फील्ड्स दिखाई जाए, रास्ते दिखाए जाए और इनके वर्ल्ड इनको दुनिया से वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराया जाए. Run azure on gold sands and let their tongues run naked into books with white and green leaves open. तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट? यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको azure का मीनिंग बताती हूँ. Azure का मीनिंग होता है ब्राइट ब्लू इन कलर लाइक द स्काई. जैसे स्काई का ब्राइट ब्लू कलर होता है उसे हम azure कहते हैं. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि इन बच्चों को बाहर उस ग्रीन फील्ड्स उस खुले आसमान में सन के अंडर लेके आओ, उस सुंदर जगह पे लेके आओ, बाहर निकालो स्लम के एरिया से और इनको वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराओ. और इनको बुक्स दो, इनको अच्छी किताबें दो. ऑन विच देयर टंग्स रन नेकेड यानी जिस पर इनकी जबान तेज तेज चले बुक्स को पढ़ने में यानी कि नॉलेज गेन करने में. तो बुक्स का यहाँ पे बेसिकली मतलब ये कि दे वॉन्ट कि बच्चे नॉलेज गेन करें, नॉलेजेबल बने. With white and green leaves open. तो यहाँ पे दो कलर्स सिम्बलाइज करे गए हैं, एक white and green. तो white सिम्बलाइज किया गया है बुक्स का कलर, जो white कलर की बुक्स होती है उनको सिम्बलाइज किया गया है कि इनको white books दी जाएँ ताकि ये लोग पढ़ाई कर पाएँ. And green सिम्बलाइज करता है clean environment, यानी इन बच्चों को साफ़ सुथरा environment दिया जाए, उस dirty slum के एरिया से बाहर निकाला जाए ताकि इनकी हेल्थ पे कोई अफेक्ट ना हो. लास्ट लाइन, History theirs whose language is the sun. अब ये बहुत strong line है जो poet ने last में explain करी गई और बोला है कि history theirs whose language is the sun. यानी ये बच्चे इतना ज़्यादा enjoy करें sun में, जैसे bright हो जाते हैं बच्चे वैसे उस तरीके से इनका future bright हो जाए, जहाँ पे history भी इनकी, present भी इनका, future भी इनका. basically एक ऐसे world में वो लोग होने चाहिए जहाँ पे सिर्फ knowledge होना चाहिए, जहाँ पे cleanliness होना चाहिए, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई होना चाहिए और गंदगी ना हो, जहाँ पे इन बच्चों की कंडीशंस सुधरी हुई होनी चाहिए. सो लैंग्वेज इज द सन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सन में आके इनका फ्यूचर ब्राइट हो जाए. ओके, सो हियर वी कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम एंड नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट आर द डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेज यूज्ड इन द पोम. तो पहला जो पोएटिक डिवाइस यूज्ड हुआ है पोम में वो है सिमिली. सिमिली क्या होता है? इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस यूज फॉर कंपेयरिंग टू थिंग्स, टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज. तो सिमिली में क्या होता है? दो डिफरेंट चीज़ों का कंपेरिजन होता है जिसमें बीच में वर्ड लाइक या एज यूज करते हैं. ओके, जैसे लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन. तो लाइक यहाँ पे यूज किया गया है और यहाँ पे किसको कंपेयर किया है? बच्चों को कंपेयर किया है और वीड्स यानी अनवॉन्टेड प्लांट्स को कंपेयर किया गया है. तो दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर किया गया है लाइक वर्ड यूज करके. दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन स्वीप थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ सीथ स्टील विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स. तो इन बच्चों के ग्लास को यानी चश्मों को और स्टोन के बॉटल्स को, इन दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर किया गया है बाई यूजिंग द वर्ड लाइक. देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स. तो यहाँ पे कैटाकॉम्ब्स यानी कि वो जगह जहाँ पे डेड लोगों को बरी किया जाता है उसको कंपेयर किया गया है इन बच्चों की लाइफ से, जिंदगियों से. तो दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर किया गया है, बीच में वर्ड यूज किया लाइक. तो यहाँ पे यूज हुई है सिमिली. ओके,
सेकेंड पोएटिक डिवाइस है मेटाफर. इट इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इज यूज टू मेक अ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आरंट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन. तो यहाँ पर मेटाफर का मतलब ये होता है, यहाँ पर भी दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर किया जाता है पर बीच में लाइक या एज जैसे वर्ड्स को यूज नहीं होते हैं. जैसे गस्टी वेव्स, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट साइज, सार क्रीम वॉल्स. तो यहाँ पे एक बच्चे को किससे कंपेयर किया गया, रैट की आईज से, कि वो कितना ग्रीडी है. तो दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर तो किया है बट बीच में लाइक या एज जैसे वर्ड्स को यूज नहीं किया है. ऑल द फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग, फील्ड विथ अ लेड स्काई, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, द टाइम एंड स्पेस आर फॉग इस्लाम हुज लैंग्वेज इज द सन. तो ये वो सारे वर्ड्स हैं, वो सारी लाइंस हैं पोम में से जिसमें दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर किया गया विदाउट द यूसेज ऑफ द वर्ड्स लाइक या एज. थर्ड जो यूज हुआ है हमारा लिटरेरी डिवाइस वो है रेपिटेशन. इट इज़ अ रेपिटेशन ऑफ सर्टन वर्ड्स और फ्रेजेज इन द पोम फॉर पोएटिक इफेक्ट. अच्छे पोएटिक इफेक्ट को, पोम को प्रेजेंटेबल और ब्यूटिफुल बनाने के लिए कुछ वर्ड्स को रिपीट किया जाता है पोम में. और जब रिपीट किया जाता है तो रेपिटेशन यूज होता है. जैसे फार फार, एक बार ये यूज हुआ है, और फिर ब्रेक ओ ब्रेक, तो सेकेंड रेपिटेशन ब्रेक ओ ब्रेक यूज हुआ है. फोर्थ है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इट इज द अकरेंस ऑफ द सेम साउंड ऑफ द बिगनिंग ऑफ द एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स. तो जब वावल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वावल्स होते हैं, और इनके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स. जब एक लाइन में बहुत सारे कॉन्सोनेंट वर्ड्स यूज हुए हैं एज अ फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, तो वहाँ पे एलिट्रेशन यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, फार फार फ्रॉम, एक ही लाइन में एफ से स्टार्ट होने वाले तीन वर्ड्स यूज हुए हैं, तो यहाँ पे एलिट्रेशन और एफ इसलिए हमने लिया क्योंकि एफ एक कॉन्सोनेंट है. ओके. सेकेंड, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेट स्काई. तो स्ट्रीट और सील्ड दोनों के फर्स्ट लेटर्स एस हैं जो कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है. शॉर्ली शेक्सपियर इज विकेड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील बॉटल बिट्स ऑन द स्टोन. तो यहाँ पे शॉर्ली का एस, शेक्सपियर का एस, स्पेक्टिकल्स का एस और स्टील का एस यूज हुआ है. तो लेटर्स का फर्स्ट, मतलब वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट यूज हुआ है साथ में एक ही लाइन में, तो यहाँ पे एस यूज हुआ है. फिर यहाँ पे बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, तो बी एन बी. ओके. लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, तो अगेन एल एंड एल, तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है इन लाइन्स में. सिक्स्थ है पर्सोनिफिकेशन. इट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स एंड एनिमल्स. जब आप नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स में किसी ह्यूमन कैरेक्टर के, कोई ह्यूमन क्वालिटी को कंपेयर करते हो या फिर उससे एसोसिएट करके बताते हो, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. तो सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, तो जो ये लाइन है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है. द वर्ड राइड इज यूज फॉर ह्यूमन्स. जो वर्ड राइड है यानी गाड़ी चलाना, राइडिंग, ये ह्यूमन्स के लिए यूज होता है क्योंकि ह्यूमन्स गाड़ियाँ राइड करते हैं. लेकिन यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, सिविलाइज्ड डोम के लिए यूज हुआ है, यानी कि एक सेमी सर्कल जहाँ पे होराइजन होता है, जहाँ से सनराइज होता है, उसके लिए. तो ये एक नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है. सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम. एंड साथ में हमने सब डिस्कस किए कि इस पोम में सारे कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं. अगर आपको मेरा वीडियो YouTube पे नहीं मिलता है तो आप एक छोटा सा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, एक छोटा सा स्टेप है जिससे आपको मेरे वीडियोस YouTube पे मिल सकते हैं या किसी भी वीडियो को जो मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ाते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको Google पे जाना है और हमारी वेबसाइट का नाम लिखना है जो कि है magnetbrains.com. जैसे ही आप टाइप करेंगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन है, क्लास 12th, 11th, 10th, 9th, 8th एंड सो ऑन. आपको जिस भी क्लास का वीडियो देखना है आपको उसको क्लास पे क्लिक करना है. फॉर एग्जांपल, आपको 11th के इंग्लिश के वीडियोस देखने, तो मैं क्लास 11th पे क्लिक करूंगी. जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो क्लास 11th में पढ़ाने वाले सारे टीचर्स और वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इंग्लिश है और जो कि मैं पढ़ाती हूँ, तो आपको उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की वो सारी लिस्ट ऑफ वीडियोस आ जाएंगी जो मैंने पढ़ाई हुई है क्लास 11th के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मुझे हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 1 देखना है जो कि है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का इंट्रोडक्शन, और मैं जब इस पर क्लिक करूंगी तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगी इस तरीके से मेरा वीडियो प्ले होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे, अगर आपको मेरा वीडियो यूट्यूब पे डायरेक्टली नहीं मिल रहा तो आप हमारे पेज पे जाके, हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हैं. सो चिल्ड्रन, इस पोम की समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ. सो तब तक लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय.